वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस प्रकार से महामहिम जी ने अपनी सरकार की सारी कार्य योजना के बारे में जिस प्रकार से आपको बताया, आप सब के सब वहाँ सदन में उपस्थित थे, आप सब ने सुना है। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक हम देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 5 ट्रिलियन की करना चाहते हैं, तो जो केंद्र का बजट है वो भी उसी प्रकार से, और जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, दुनिया भर के आर्थिक विशेषज्ञों ने इस बात को स्वीकार किया है कि केंद्र सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है निश्चित तौर से वो विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने की ओर भारत सरकार का कदम है। और उसी दिशा में आज जिस प्रकार से हमने हमारी सरकार की जो कारगुजारी रही है और आने वाले टाइम में जो हम करने वाले हैं, जिसके बारे में माने राज्यपाल महोदय ने आप सबके सामने इस प्रकार से प्रस्तुत किया है, जहाँ 2030 तक हम 30% जो व्हीकल हैं वो इलेक्ट्रॉनिक करना चाहते हैं, इससे एक बहुत बड़ा लाभ होगा, जो तेल पर हम खर्च कर रहे हैं उससे बहुत बड़ा बचाव होगा। और इसी प्रकार से जो 1,80,000 से कम आमदन वाले उस गरीब व्यक्ति के लिए जिस प्रकार की चिंता वर्तमान सरकार ने की है, और उनको चाहे उनका आयुष्मान कार्ड है चाहे पीड़ा कार्ड है, उसको दोनों को बढ़ाने का लिए जो काम किया है वो अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसी प्रकार से जिन लोगों की आमदन 1,00,000 से कम है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक टारगेट रखा है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसकी आमदन 1,80,000 से कम हो, तो उन पे काम शुरू कर दिया। और बड़ी संख्या में ऐसे जो लोग मिले हैं जिन्होंने आवेदन किया, उनमें से मैक्सिमम को लोन दे दिया कि वो अपनी आमदन बढ़ाने के लिए कोई भी काम जो वो करना चाहते हैं, चाहे पशुपालन करना चाहते हैं, दुकान करना चाहते हैं, या कोई मिस्त्री का काम करना चाहते हैं, उस सब के लिए सरकार ने उसमें काम किया है। ऐसे ही ऑनलाइन जो SC प्रमाण पत्र है 3,63,000 ऐसे लोगों को जारी किए जहाँ उन्हें कहीं भी जाना नहीं पड़ा। इसी प्रकार से जो गरीब व्यक्ति हैं, तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, निराश्रित हैं, ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने 116 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी। तो ऐसे बहुत से जो कल्याण के काम थे वो सरकार ने किए। इसी प्रकार से हमारे सैनिक हैं जो युद्ध में शहीद होते हैं उनके लिए सरकारी नौकरी और 50,00,000 रुपए की राशि की घोषणा हमारी सरकार ने की है और वो दी जा रही है। इसी प्रकार से सशस्त्र बलों में अधिक से अधिक सैनिकों का योगदान हो उसके लिए 20-20 करोड़ की लागत से सशस्त्र बल में भर्ती की तैयारी के लिए 2 कोचिंग सेंटर हरियाणा में खोले गए। और भी इसी प्रकार से बागवानी के लिए जो पिछली बार जो बजट था वो 1,026 था, लेकिन जो पिछला बजट था 2022 का उसमें 4,369 करोड़ रुपए देने का सरकार ने काम किया। सरकार ने जिस प्रकार से चिंता की स्वास्थ्य की, मनुष्य की, उसी प्रकार से चिंता की धरती की। और उसी प्रकार 30,00,000 हमने सैंपल लिए और किसानों को बताया कि उनकी जमीन में किस प्रकार की कमी है, किस प्रकार से वो स्वस्थ हो सकती है। इसी प्रकार से मोटे अनाजों के प्रति दुनिया का रुझान बढ़े, पूरी दुनिया में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, हमारी सरकार भी उसमें काम कर रही है। और मैं समझता हूँ मोटा अनाज जहाँ सेहत के लिए अच्छा है वहाँ पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जिन चीज़ों की हम खेती कर रहे हैं उनमें पानी का बड़ा भारी उपयोग हो रहा है, और पानी का ज़्यादा उपयोग होने से एक बहुत बड़ी समस्या जो है सबके सामने आने लग रही है। तो इस प्रकार की सारी योजनाएँ जो हैं जिनका जिक्र माने राज्यपाल महोदय ने आप सबके सामने किया, तो आप सबको जानकारी है। और जहाँ तक आज का ये अभी आपने जो एपिसोड देखा, तो मेरा कहना है कि लगता है कि विपक्ष ने दावे तो बहुत किए थे कि हम घेर लेंगे सरकार को, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो BSE की रिपोर्ट थी उन्होंने उसको प्रस्तुत होने से भी पहले उन्होंने इस प्रकार से शोर मचाने का काम किया। मेरा मानना है कि कोई भी आरोप अगर किसी भी व्यक्ति पर है तो निश्चित तौर से जांच के बाद ही पता चलेगा कि उसकी सत्यता क्या है। तो मैं अपने इन सहयोगियों से, साथियों से पूछना चाहता हूं कि इनके लीडरों के ऊपर बहुत से आरोप हैं, तो क्या उनको आज ही सजा दे दें? जब तक वो सिद्ध नहीं होते तब तक किसी भी व्यक्ति को गुनाहगार या दोषी नहीं माना जा सकता। अगर संदीप सिंह जी के ऊपर आरोप है तो निश्चित तौर से उसकी जाँच चल रही, और जाँच कोई मारेंडर नहीं है, उसकी जो SIT गठित हो रही वो चंडीगढ़ पुलिस की है, और चंडीगढ़ पुलिस UPA का हिस्सा है, और वही उसकी जांच कर रही। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से सबको इसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए, और जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की जाए।
नहीं देखिए, ये तो संदीप सिंह जी बताएंगे कि आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति जांच के बाद ही दोषी करार दिया जा सकता है, जांच से पहले नहीं। कोई भी आदमी किसी में भी कुछ आरोप लगा देगा, इसका मतलब वो दोषी नहीं है। नहीं, इस प्रकार के वो उदाहरण प्रस्तुत करें कि क्या कहीं इस प्रकार से हुआ है पहले भी कहीं ऐसा कि किसी पे आरोप लगे और उसको इस्तीफा ले। हर व्यक्ति की जांच होती है, बहुत लोगों के पास राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई आरोप है, लेकिन उनको फेस कर रहे हैं। जैसे ही उनको दोषी करार दिया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे उनको सजा हो जो भी होगा उनका, तो वो उसके बाद होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी ने आरोप लगा दिया और उसको तुरंत आप दोषी करार दे दो और उसको सजा दे दो, ये मैं समझता हूँ न्याय की बात नहीं। और आपने देख भी लिया कि जिस प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय का व्यवहार था, माननीय अध्यक्ष महोदय ने हालांकि उन्होंने पूरा प्रयास किया कि उनको नेम कर दें, उनका पूरा प्रयास था कि उनको हाउस से बाहर कर दें, लेकिन हमने इस प्रकार का कुछ नहीं किया और हमने निश्चित तौर से उनको वहीं अपनी बात करने के लिए हमने वहीं। आप पूरी तरीके से देखें, विपक्ष कोई बात रख नहीं सका। मैं समझता हूं जो बात उन्होंने जिस प्रकार से रखी, बाहर कोई कुछ भी करे लेकिन हाउस में इस प्रकार की बात रखना, कोई नियमों का हवाला देकर उन्हें बात रखनी चाहिए थी। जिस प्रकार से उन्हें आज का डिस्टर्बेंस करी वो सही नहीं। देखिए ओपीएस के बारे में जो भी बात उठ रही, अभी नेता प्रतिपक्ष ने बयान दिया कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी तो सरकार बढ़ते ही पहली कलम से वो उसको लागू कर देंगे। तो मैं जानना चाहूंगा वह कौन सी कलम थी, वो पहली दूसरी तीसरी कौन सी थी जिससे समाप्त करी थी। हमने समाप्त नहीं की, इन्हीं की सरकार ने इसको समाप्त किया था। इन्हीं की जो माननीय प्रधानमंत्री थे, जिनको ये मान्यता है कि दुनिया के जो इकोनॉमिक्स के बड़े ज्ञाता हैं, उन्होंने कहा कि स्कीम को चालू नहीं रखा जा सकता, ये देश के हित में नहीं है और देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। उनके ही सहयोगी जो सलाहकार हैं मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, अभी 10 दिन पहले उन्होंने बयान दिया कि इसको लागू नहीं किया जा सकता। ये सारी बात यही कह रहे, लेकिन आज क्या है कि कांग्रेस को लग रहा कि ये अंतिम बार है उनके लिए, यही मौका है, अब की बार नहीं तो फिर कभी नहीं। तो उन्होंने जहां भी कोई आंदोलन, आप देख रहे कहीं भी किसी बात पे भी आंदोलन है तो कांग्रेस तुरंत जाएगा उसको समर्थन कर रही कि हम भी आप ही के साथ हैं, पर हमें वोट दे दो, केवल और केवल वोट के लिए सारा। देखिए ये इस प्रकार की जो परंपरा चलाई जा रही कि बड़े लोगों के बारे में गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कम से कम हमारे हाउस में ऐसी स्थिति नहीं है तो हमारे हाउस में ठीक है। नहीं देखिए, हमने गीता के बारे में कहा था कि हम गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे, हमने उसको शामिल कर दिया और आने वाले टाइम में अगर जरूरत होगी तो और बढ़ाया जाएगा। देखिए इसके बारे में तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी जो भी बात कहेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि जितनी बात मैंने सुनी है और जितने आर्थिक विशेषज्ञ हैं उन सब का मानना है कि प्रैक्टिकल नहीं है और इसको कोई भी सरकार लागू नहीं। लेकिन वो ये कह रहे हैं, कर्मचारी लीडर कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मंत्री हैं, ये 3-4 हज़ार पेंशन ले रहे हैं, वो अपने ऊपर क्यों नहीं पुरानी पेंशन लागू कर लेते, नई पेंशन। हाँ नहीं, इसमें भी विचार किया जा सकता है, सही है बात आपकी। मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस पे भी विचार किया जा सकता है, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनकी संख्या बहुत कम है इसलिए शायद अभी तक किसी का ध्यान ना आ गया उस पे। लेकिन जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या में और उनकी संख्या में कोई मेल ही नहीं है, वो लाखों के हिसाब से फर्क है। नहीं, पुरानी पेंशन जो पीछे है वो तो उनको भी मिल रही है, लेकिन आगे भविष्य के लिए इसका निर्णय किया गया कि वो पुरानी पेंशन आगे चालू नहीं रहेगी।
नहीं वो है जी, नहीं वो उतना नहीं होता। जैसे जिस प्रकार से गलतफहमी पैदा कर रखी कि जो पेंशन पहली बार मिलती है तो दूसरी बार वो डबल होती है, डबल नहीं होती, वो कुछ परसेंट बढ़ती है, इतनी होती है, डबल होती है। एक गलतफहमी पैदा कर रखी कि जितनी पेंशन पहली बार है अगली बार फिर उतनी पेंशन मिलेगी, अगली बार फिर उतनी पेंशन मिलेगी, अगली बार फिर उतनी। लेकिन कुछ सुधार माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं पिछली बार, आने वाले टाइम में और भी उसमें विचार किया जा सकता है। नहीं देखिए, जो पहली पेंशन मिलती है अभी तक देश में कहीं भी ऐसा नहीं है कि केवल एक पेंशन, क्योंकि जो काम करता है विधायक उसके हिसाब से एक दो तीन चार बार की पेंशन उसको दी जाती है। लेकिन जहां तक ओल्ड पेंशन की बात है, इसके बारे में निश्चित तौर से विचार किया जा सकता है, चाहे वो चुने प्रतिनिधि उनके बारे में विचार किया जा सकता है।